अपरंपार तेरी माया। ओ भाई तू के कर दे एक क्षण में भाई मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। अरे अपरंपार तेरी माया रे अपरंपार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। पहली बात में कवि ने उदाहरण दिया न्यू बताया है बड़े बुजुर्ग न्यू क्या करे न्यू क्या तीन चार चीज है समाज में जो पूरी उम्र से देंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली खेत में गैली दारू की थैली हरण राम रही उम्र की चेली। सारी उम्र से देंगी ये कई लुगाई जाती बताई माता बहन ये नु बाबा धोरे नु गो बाबा संकट काटिए नू मोदी होवंगी दो खाऊंगी पिताजी कहेंगी। अरे बाबा उन तू कहेंगे नुको बाबा जी संकट काट दो बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे तारे कितना संकट काटेंगे। अरे गुरु जी भी शे हैं वे गुरु जी भी न्यू कहेंगे नुका तन मन धन तीनों चीज गुरु का अर्पण कर दो। और नहीं तन होता है पति खातर मनो है परमात्मा की भक्ति करण खातर धनो है दान करण खातर। और वो गुरु न्यू कहेगा नुको तीनों चीज मेरे चढ़ा दो मका फिर वो जो मोड़ बांध गया था उसके द्वारा गट्टू बच गया। पर ये गुरु और डाल के हो गए जो ये रागनी आपके बीच में सुना रहा हूँ पंडित लक्ष्मीचंद की न्यू बताया के अपरंपार तेरी माया तू के कर देख क्षण में। मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में उनने के न्यू सोची थी बाबा जी अंतम जेल में पड़ोगे पर मन की सोची बनती को ना। पहली बात में रावण का उदाहरण दिया कि रावण बुरा आदमी नहीं था। रावण ने बसवा राम की लुगाई ठाकर गलत कराया था नहीं रावण बुरा आदमी नहीं था वो के चावे था अगमन न्यू कर दू पर बनी को ना उसके भी मन की पहली बात में के दर्शाया क्यों करे। और हमारे परमादनीय सूबेदार बाबूलाल यादव जी 1100 रुपए मंदिर में और 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई आशीष यादव मन में सोची रावण ने रे मन में सोची रावण ने अंबर में पैड़ी लाऊं सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं। सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं। अरे जल की काई अग्नि का धुआं इसने परे हटाऊं। और रावण एक काम और कर देता बहुत बढ़िया अगर रावण की सोच बढ़िया लग गए तो सुनने के बाद मैं ताली बजा के बताना जी किस प्रकार से। जल की काई अग्नि का धुआं इसने परे हटाऊं बाप ते पहले मरे ना बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं। बाप ते पहले मरे ना बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं। न्यू कहते कहते आगी मूर्छा हो लागी आग शरण में। मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में।
कवि ने महाभारत से उदाहरण दिया। महाभारत में बताई के दुर्योधन ने सोची अग पांचो पांडव और जो इनके साथ में कुंती माता और ये द्रौपदी है, एक लाख सा ग्रह बनाया, लाख का भवन बनाया। लाख एक ऐसी धातु है बहुत ज्यादा ज्वलनशील, तिल्ली दिखा दो पेट्रोल की डाला पकड़े है कि उस वस्तु का मिला के एक महल बनाया और पांचो पांडव और द्रौपदी व कुंती सारे महल में भेज दिए। रात न महल में आग लगा दी। दुर्योधन ने भी नहीं सोची अग मर गए होंगे, उसकी भी मन की नहीं बनी। दूसरी बात में के लिखा क्यों करे। और हमारे परमादनीय उमराव खटाना जी शाहपुर 1100 रुपए मंदिर में 100 रुपए हमारी टीम को देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परमादनीय भरताराम यादव जी 100 रुपए मंदिर में 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए भाई आशीष यादव। अरे मन में सोची दुर्योधन ने भवन में आग लगाई, एकदम अग्नि सिर पे चढ़गी कोन्या पार बसाई, एकदम अग्नि सिर पे चढ़गी कोन्या पार बसाई। वेद खोल के देखन लाग्या एक गुप्ती मोरी पाई, फिर छे जी उमरे जल के न्यू दुनिया देखन आई, फिर छे जी उमरे जल के न्यू दुनिया देखन आई। अरे 101 भेट मैं देखे हो रे, आए 101 भेट मैं देखे अग्नि करी वचन में, काफी बैठी प्रोग्राम में। एक बार एक आदमी की घराली रोज उसके धनी तन्यू कन्यू को, ओ पिया जी ओ पति देव तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूँ, तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी ना तोड़ू। ये 100 रुपए से आ जाने ताऊ जी, 100 रुपए मंदिर में 50 पार्टी को। क्या नाम आपका? बहुत धन राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मान सम्मान करते हैं ताऊ जी, बार बार धन्यवाद। वो एक आदमी की घराली रोज न्यू कहनू को, पिया जी हाँ जी पोकर राम 100 रुपए मंदिर में 100 रुपए पार्टी को धन्यवाद। रोज न्यू कहनू को, पिया जी ओ पति देव तेरे ते मैं घना प्यार करूं और तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी ना तोड़ू। अब उसने सोची थी खरांड की परीक्षा लेके देख तू, मावो साले दिन घर तक बाहर चला गया, घरवाली ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया, दाऊ खीर बनाई और आन में जान बूझ के लेट हो गया। लेट होकर के काम कराया घर की जो चौखट होया करे ना उसमें टांग फंसा के और उल्टा नू लटक गजन मर गया। अब घरवाली बाहर आई, हाथ हूथ लगा के देखा, नु कहे यो तुम मर गया, नुकू मर गया, तुम मर गया, किसका के कर गया, चलो खीर ठंडी हो रही है, खा पी का बाहर आई अगर रोन लगी नु हाय रे बर्बाद हो गई, रांड हो गया। वे पड़ोसी आगे सुन गए, एक बोला के हो गया, नुकू मर गया, नुकू मर गया तो चल इसने फूक का होंगे। अब एक बूढ़ा बोला भाई इसकी टांग जो है वे दरवाजे में चौखट में इस ढाल इस तरीके तक फंस रही है के तो यो चौखट पाड़ी जा और के इसकी टांग काटी जा। लुगाई बोली नु को शाना चौखट कुण लगवा होगा टांगा नहीं कतर दे। अरे लटके लटके सोचे नु ग्रांड करेगी काम छोटा गोन्या। अभी इतनी देर में एक श्याणा सा बुजुर्ग था, वो बोला रे तेरा पति था तेरे आद्य अंका साजी था यो तो मर गया, पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इस तक कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। जाऊं सु जाका कान में नु को, पिया जी ओ पति देव आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो, अरे आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो। और वो कुण सा मर रहा था काड़ का टांग हो कशीदा ने खीर तो खागी लपा लप थोड़ो चूरमो भी चखो।
न्यूबियो जय करे मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे दशरथ, दशरथ ने भी न्यू सोची थी अगर रामचंद्र का तो राज तिलक करूंगा, इसने राजा बनाऊंगा, इसने राजगद्दी पर बैठाऊंगा, उसके भी मन की नहीं बनी थी। श्री बात में के लिखा कवि ने क्यों करे परमादनीय राम कुमार यादव जी बसई नरुका से 1100 रुपए मंदिर में और 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। 500 रुपए मूलू ठेकेदार जी मंदिर में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादनीय छोटे लाल यादव जी सापुरा 500 रुपए मंदिर में, 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। और 50 रुपए से छुटिया जी 50 रुपए मंदिर में, 50 रुपए हमारी टीम को देते हैं, बार बार धन्यवाद। बलबीर जी अलवर वो 500 रुपए मंदिर में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी आए मन में सोची थी दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए, रामचंद्र ने दुराज तिलक ओरे कर लू मन के चाहे, रामचंद्र ने दुराज तिलक ओरे कर लू मन के चाहे। फिर चरत भरत की माता ने, फिर तुरत भरत की माता ने वे महलों बीच बुलाए, 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए, 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। उका नीचे कदम नीचे रह गया हो, नीचे कदम नीचे रह गया और ऊपर चढ़ा गगन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। और हमारे बीच में आदरणीय एसएचओ साहब बनवारी लाल जी बैठे, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन खातिर। बुरा ना मानियो जी, आपने देखे एक बात याद आओ, बुरा तो नहीं मानोगे कह दू। हाँ वो एक बार बनवारी लाल जी से एसएचओ थाने में बैठे, ये बेचारा महकमा ईशा है, ये भलाई करते करते बदनाम हो जाए, अब बाहर बैठे कुर्सी गाल के थाने के, अब के देखा एसएचओ साहब ने ऊपर का एक गुब्बारा फूकला, ऊपर का गुब्बारा उड़ता जार तले एक पर्ची लटक रही। अब ऐसे तो बोले नु सिपाही यो तार के लाओ, इस गुब्बारे में के है, वो गुब्बारा तले तारा उसमें पर्ची लटक रही थी, एक वो पर्ची खोल का पढ़ी, उसमें न्यू लिख रही थी जी, अग जी मैं फलाने फलाने गांव का राम फलस हूँ, अरे ए भगवान बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ, 50,000 रुपये पहुंचा भगवान बहुत मदद हो जाएगी। अब ऐसा तो साहब ने न्यू सोची, वो पर्ची भगवान दो रहा तो कित जागी, गरीब आदमी उस पर पर्ची पर एड्रेस भी लिख रहा था, गरीब आदमी सोचा तमी इकट्ठे कर कर दिया हो। अब सारे पुलिस महकमे ने इकट्ठे करके वे 25,000 रुपये बने, वे 25,000 रुपये इकट्ठे कर कर 4 पुलिस आले उराम फड़ के घर दिया है उसने, उसने ले लिए। थानेदार साहब उल्टे आगे वापिस अपने थाने में, दूसरे दिन फिर गुब्बारा जा उड़ता, थानेदार साहब ने सोची तो पैसे भी दे दिए, इनके दिक्कत है, बोला तारो इस फूक लेने, अब वो तले तारा तार का उसमें फिर पर्ची लग रही, पर्ची खोल कर पढ़ी तो न्यू लिख रखी जी राम फल सू, अरे आपने भगवान मेरी मदद करी बहुत बहुत धन्यवाद, पर आगे था पुलिस वाले आगे हाथ मत भेजिए, 25,000 खा गए, बोले 50 की कही थी। ये बेचारे भलाई करते करते बदनाम हो है। रागनी की आखिरी कली में आता हूँ, रागनी में बताया कि इंसान बुरे समय में भी आदमी को टाइम पास करना चाहिए, बुरे समय की एक अच्छी आदत होती है वो गुजर जाता है, आदमी दिन है तो दिन नहीं रहना, रात भी आओगी, रात है तो दिन जरूर निकलेगा, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, ये दोनों आपस में बाण भाई है। आखिरी कली में पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने निचोड़ कराया के लिखा क्यों कर, परमादनीय चेतराम खटीक जी 21
100 रुपए मंदिर में देते हैं, 200 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। और श्री श्याम मित्र मंडल से अनुरोध है कि इतने श्रोता ये गर्मी में इतनी धूप में बैठे हैं, पानी पिलाने का कार्य करते रहे। बिल्कुल श्याम मित्र मंडल, आइए भाई आशीष यादव हरी मिर्च। अरे क्षण में राजा क्षण में कंगला, समय निभानी चाहिए आज करे सो इब कर ले एक पलना लानी चाहिए, आज करे सो इब कर ले एक पलना लानी चाहिए। अरे बुंडी बता की चर्चा ना दिल में ठानी चाहिए, बाप सुनो चाहे बाप सुनो चाहे बेटा सुन लो इसी रागनी गानी चाहिए, बाप सुन चाहे बेटा सुन लो इसी रागनी गानी चाहिए। श्री लक्ष्मी चंद थम अब तो संभलो हो रे, श्री लक्ष्मी चंद थम अब तो संभलो लागो हरि भजन में